वो तो हमें मिलेगा ही, परंतु जो पीड़ादायक है, जो हमें कष्ट देगा, उसे देख लेते हैं आज ना। कल हमने बात की थी त्रिशराय के बारे में, ठीक है? तो त्रिशराय को एक बार हम देख लेते हैं, एक कुंडली पे वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर आपको अच्छे से वो चीजें निवेदन आपने किया है या फिर वो स्पष्ट आपको है या नहीं है, ठीक है? उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एक कुंडली बनाइएगा कन्या लग्न की, एक कन्या लग्न की हम कुंडली बना लेंगे, उसमें मंगल को और बुध को, एक कन्या लग्न की कुंडली में मंगल और बुध को 10th हाउस में लिख लेंगे। दशम भाव में मंगल और बुध को लिखेंगे कन्या लग्न की कुंडली में, ठीक है? अब मंगल क्या है? मंगल यहाँ पे त्रिशराय है, मंगल क्या है? त्रिशराय है। और बुध क्या है? बुध स्वयं लग्नेश है, ठीक है? ये जो कुंडली है, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे क्या यह समस्यादायक है या समस्या देने वाला नहीं है, यह जो है वो समस्या देने वाला है या समस्या देने वाला नहीं है। नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। बुध यहाँ बैठा है, स्वयं लग्नेश है, तो यहाँ। और दूसरा है कि जो दशम भाव है वो उपचय भाव है। क्या है? उपचय भाव है। तो उपचय भाव होने के कारण और साथ में लग्नेश होने के कारण मंगल यहाँ पे अशुभ परिणाम नहीं देगा, यहाँ पे मंगल जो है वो शुभ परिणाम देगा, ठीक है? यहाँ पे शुभ परिणाम देगा। ये जिनकी कुंडली है, जब इनकी कुंडली में मंगल की दशा आई, मंगल की दशा आई, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा? उपचय, उपचय भाव, दसवां भाव उपचय भाव है। वो क्या करता है? टाइम टू टाइम, समय के अनुसार वो आगे बढ़ता है, समय के अनुसार विधि करता है, ठीक है? दशम भाव क्या है? नेम प्रेम है। जब मंगल की दशा इनके कुंडली में आई, तो यह आगे जाकर इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में आए। ये जो कुंडली है वो नरसिम्हा राव जी की है, जो इंडिया के पूर्व भूतपूर्व प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, उनकी कुंडली है। एक रूल है, उसे नोट करके लिख लीजिएगा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि त्रिशराय भाव का स्वामी, यदि त्रिशराय भाव का स्वामी उपचय भाव में हो और साथ में नैसर्गिक या कार्यात्मक रूप में शुभ ग्रहों का संबंध हो, तो अशुभता में कमी आएगी। अब इसका अर्थ क्या है? यदि कोई ग्रह जो त्रिशराय का स्वामी है, 3, 6, 11 का स्वामी है, और कहाँ जाकर बैठा है? वो 3, 6, 11 या 10, 3, 6, 10 और 11 में जाकर बैठा है, और उसके साथ में या लग्नेश बैठ जाए, या 10th हाउस में है तो 10th हाउस का स्वामी बैठ जाए, या कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे गुरु बैठ जाए अच्छी स्थिति में होकर, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? यही बोलेंगे ना कि भाई इनके कुंडली में जब भी त्रिशराय का दशा आएगा तो चीजें बेहतर होंगी, ना कि खराब होगी। क्यों? क्योंकि अशुभता में वो कमी लाएगा। अशुभता में क्या लाएगा? वो कमी लाएगा, वो अशुभ परिणाम नहीं देगा, ठीक है? ये हमारा हो गया त्रिशराया भाव, यह जो पूर्ण हुआ हमारा, वो त्रिशराया भाव को हमने समझा। अब एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं अष्टम भाव पे, ठीक है? कोई भी कुंडली हो,
जब भी किसी भी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी की दशा आती है, या कहें तो अष्टमेश की दशा आती है, जो अष्टम का लॉर्ड है उसकी दशा आती है, तो व्यक्ति राजनीति में जाता है या राजनीति में सफल होता है। क्यों होता है यह, इसे बहुत अलग तरीके से हम समझेंगे। भयात भावम आपने पढ़ा होगा, उससे भी और ऐसे भी, और थोड़ी नहीं अपार सफलता, बहुत सफलता प्राप्त करता है अष्टमेश का जब दशा हो तो। क्यों? क्योंकि जैसे नौवा भाव क्या है, ज्ञान है, सलाह है ज्ञान है ना, नाइन्थ हाउस। जब नाइन्थ हाउस ज्ञान है तो उससे जो बारहवा है वो उस ज्ञान की हानि कर रहा है, जो बारहवा भाव है उस ज्ञान की हानि कर रहा है। तो नाइन्थ हाउस का बारहवा भाव कौन सा हो गया, आठवा भाव, एट्थ हाउस। और आठवा भाव जो है, तो आपकी ज्ञान की हानि होगी तो आप क्या करोगे, आप साम दाम दंड और भेद, अपने भी किसी काम को करने के लिए आप प्यार से उस काम को करना करना चाहोगे, पैसे देकर करना चाहोगे, या किसी को लताड़ित करके दंड देकर करना चाहोगे, या फिर आप शकुनी मामा की तरह भेद लोगे। ठीक है, ये चार जो हैं वो काम करते हैं राजनीति में। एक दूसरा रूल, अष्टम भाव जो है वह चौथे से पांचवा है, चौथे से पांचवा है। ठीक है, एक राजा के पास सुख भी होता है, एक राजा के पास समृद्धि भी होती है, एक राजा के पास मन की शांति भी होती है, क्योंकि उसके पास जो चीजें चाहिए वो सब कुछ है। तो चौथा हाउस जो होता है ना, कुंडली का सिंहासन होता है, कुंडली का सिंहासन होता है चौथा भाव। तो चौथे से पांचवा क्या हुआ, आठवा हुआ ना। तो उस स्थिति में भी उस सिंहासन को पाने के लिए, उस सिंहासन को पाने के लिए जो आप बुद्धि लगाओगे, जो आप दिमाग लगाओगे, वो आपका आठवा भाव है। ठीक है, जो आप दिमाग लगाओगे, जो आप बुद्धि लगाओगे उस सिंहासन को पाने के लिए, या हम कहें तो यह कह सकते हैं, सिंहासन के लिए काम आने वाली बुद्धि वह कौन सा है, आठवा भाव है। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास ना शिक्षा है ना ही कुछ है, फिर भी वो सिंहासन पे बैठे हैं, क्योंकि आठवा हाउस जो है वो उनका मजबूत है। जैसे किसी भी कुंडली के दो भाग होते हैं, किसी भी कुंडली के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है अस्थाई भाग या अस्थैतिक भाव, या हम कहें तो अस्थाई भाव, वो जो भाग है कुंडली का। फिर दूसरा होता है गतिशील, दूसरा होता है गतिशील भाग। इसे समझते हैं, जो अस्थाई भाग है या जो अस्थैतिक भाव है, जो आप किसी भी कुंडली को देख रहे हो ना, उसमें जो आपके प्रॉमिस हैं, जो आपके प्रॉमिस हैं, वो आप कहाँ से देख रहे हो, अस्थाई भाव से देख, अस्थाई भाग से देख रहे हो। ठीक है, यदि इसे यदि आप लिखते हो तो कैसे लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, किसी भी कुंडली में कौन सी घटना होगी या उस वादे को देखने के लिए हम जन्म कुंडली और घर के प्रभावों को देखते हैं, उसे हम अस्थैतिक या अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे आप जन्म कुंडली से क्या प्रॉमिस ही देखते हो ना, ठीक है, जन्म कुंडली जो लग्न कुंडली, जन्म कुंडली पूरी पूरी जन्म कुंडली नहीं, पूरी जन्म कुंडली बहुत कुछ हो जाएगा, जन्म कुंडली जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, ठीक है, उससे आप क्या देखते हो, उससे आप सिर्फ प्रॉमिस देखते हो,
घरों को पढ़कर सभी ग्रहों को सभी घरों को पढ़कर सभी ग्रहों घरों को देखकर सभी ग्रहों को देखकर आप क्या वहां निकालते हो, प्रॉमिस निकालते हो, विवाह कब होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब होगी, ठीक है, ये आप प्रॉमिस निकालते हो। दूसरा उसका भाग है गतिशील भाग, क्या है गतिशील, जो गति कर रहा है, वो जो चल रहा है, डायनेमिक पार्ट, जो गतिशील भाग है वह गतिशील भाग हम किसे कहते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इस दशाओं को हम गतिशील भाग कहते हैं। गतिशील भाग का उपयोग लिख लीजिएगा इसे, गतिशील भाग का उपयोग दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा द्वारा दर्शाए गए व्यक्तिगत जीवन के क्षणिक भाग का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अर्थात मान लीजिए अभी आपका समय कैसा चल रहा है, उसे हम कहाँ से देखेंगे, दशा से। आज के 10 साल पीछे आपका समय कैसा था, अर्थात आप कैसे जीवन को जी रहे थे, आपकी कुंडली कैसी थी उस वक्त, उसे देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, दशा में। आज के 2 साल बाद आपके साथ क्या होगा, क्या घटना होगा, उसे देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, दशा में। मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था, वो क्या थी, घटना कौन सी घटना होगी या कहाँ से देखेंगे, जन्म कुंडली से, और घटना कब होगी वो हम कहाँ से देखेंगे, वो हम कहाँ से देखेंगे, वो देखेंगे दशा से, ठीक है। पराशर जी ने कहा है, पराशर जी जब आप लघु पराशरी पढ़ोगे या लग्न पराशरी पढ़ोगे, जो पराशर जी ने एक जो पुस्तक दी, जो उन्होंने बताया, उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपको चीजें मिलेंगी। पराशर जी ने स्पष्ट रूप में यह कहा है, पराशर जी ने स्पष्ट रूप में यह कहा है, जब भी कुंडली में 1, 5 और 9 की दशा आती है, जब भी कुंडली में 1, 5 और 9 की दशा आती है, क्या कहें उसका, जब टाइम पीरियड आता है, तो वह शुभ फल देते हैं। 1, 5, 9 के जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, ऐसे मेष लग्न की कुंडली है तो मेष लग्न के स्वामी कौन होंगे, लग्न के स्वामी कौन होंगे, फर्स्ट के मंगल, तो मंगल शुभ दशा शुभ परिणाम देंगे, ठीक है। और भी रूल है, उसके बाद आता है केंद्राधिपति दोष, या फिर कहें तो केंद्राधिपति दोष, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, जो ज्योतिष से पहले से संपर्क में होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा केंद्राधिपति दोष है। परंतु इसे यदि देखा जाए पराशर जी के अकॉर्डिंग, तो यह दोष है ही नहीं, यह दोष है ही नहीं, इसे दोष बताया गया है। क्या होता है केंद्राधिपति दोष, सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा, लग्नेश की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लग्नेश की इसमें कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। यदि कोई शुभ ग्रह जो नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह है, जो नेचुरल है, ठीक है, कार्यात्मक की अभी बात नहीं है, यदि कोई शुभ ग्रह आपके किसी भी केंद्र भाव को रूल कर रहा हो, तो वह अपनी शुभता का त्याग करता है। अर्थात एक मेष लग्न की कुंडली है, और मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव के स्वामी कौन है, चंद्रमा, जो नैसर्गिक रूप में शुभ हैं, तो चंद्रमा यहाँ क्या हो जाएंगे, अपने शुभता का त्याग कर देंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना शुभ रहेंगे ना अशुभ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो अशुभ हो जाएंगे, अशुभ नहीं होंगे, अपनी शुभता का त्याग कर देंगे वो, ठीक है,
अपनी सोखता का वो त्याग कर देंगे, वो ये नहीं है कि वो अशुभ हो जाएंगे, अशुभ नहीं होंगे, सिर्फ वो अपनी सोखता का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, यही रूल जब हम अशुभ या जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है उस पे लगाते हैं, यदि आपकी कुंडली में नैसर्गिक अशुभ ग्रह चंद्र स्थान को रूल कर रहे हैं तो वह अपनी अशुभता का त्याग करते हैं। ठीक, कितनी अच्छी बात है। ठीक है, एक तो है वो नेचुरल हो जाएगा, जो शुभ है वो नेचुरल हो जाएगा, परंतु जो अशुभ है वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे कोई वृषभ लग्ने की कुंडली है, तो जब वृषभ लग्ने की कुंडली बनाओगे तो फोर्थ हाउस में कौन सी राशि आएगी, पांचवी आएगी सिंह राशि। सिंह राशि का लॉर्ड कौन है, शुद्र। तो शुद्र क्या हो जाएगा, केंद्र का मालिक हो जाएगा, केंद्र का अधिपति हो जाएगा। तो उस स्थिति में शुद्र क्या है, हम उसे क्रूर ग्रह कहते हैं, परंतु पुस्तकों में जो बताया गया है वो तो यही कहता है कि शुद्र क्या है, अशुभ है। तो उस स्थिति में शुद्र क्या करेंगे, अपनी क्रूरता का त्याग कर देंगे, अर्थात उनकी जो अशुभता है उसका वो त्याग कर देंगे। वृषभ लग्न की कुंडली वो क्या करेंगे, अशुभता का त्याग कर देंगे। ठीक है, इसे आप बना लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, या फिर वहां पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में, क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके पास हो तो आप अभी या कुछ देर बाद या जब भी आप अपने कॉपी को लो, नोटबुक को लो, तो वो क्लियर हो जाए, एक एग्जाम्पल आपके पास रहे तो। इसलिए मैं हर चीज में आपको दो चार दस एग्जाम्पल देता हूं। ठीक फिर कुंडली में ऐसे दो ग्रह आते हैं जो ना कि शुभ होते हैं और ना ही अशुभ होते हैं, ना वो शुभ होते हैं और ना ही वह अशुभ होते हैं। ठीक है, ये कौन है, एक है दूसरे भाव के स्वामी जो सेकंड हाउस है उसके स्वामी, और एक है बारहवें भाव के स्वामी। एक है दूसरे भाव के स्वामी, एक है बारहवें भाव के स्वामी, ना शुभ है ना अशुभ है, तो ये रिजल्ट कैसे देंगे भाई। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक रूल को अप्लाई करना होगा, वह रूल सिर्फ इतना ही है, वह रूल जो है वह सिर्फ इतना ही है। वो क्या कहता है, मेष लग्न की कुंडली है, नहीं मेष लग्न की कुंडली नहीं लेंगे हम, मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न के कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा हो गए। ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ ना शुभ है ना ही अशुभ है, इसे हम समझेंगे कैसे। ठीक तो समझने के लिए सिर्फ इतना ही है, चंद्रमा जो है वो किसी भी ग्रहों के साथ, चंद्रमा जो है वो किसी भी ग्रहों के साथ, यदि वो शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ परिणाम देगा, यदि वो अशुभ ग्रहों के साथ है तो अशुभ परिणाम देगा। वह किस एसोसिएशन में है यह देखना आवश्यक है, यदि वो बेनिफिक एसोसिएशन में है तो बहुत अच्छा परिणाम देगा, यदि वो मैलेफिक एसोसिएशन में है तो वो समस्या क्रिएट करेगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो दोनों पे अप्लाई होती है, दूसरे भाव पे भी और बारहवें भाव पे भी। ठीक है, उसके बाद आता है मारक ग्रह। ठीक है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब भी कभी आप
गतिशील, गतिशील अर्थात दशा, गतिशील भाग अर्थात जो दैनिक पार्ट है उसे दशा में हम लेंगे। जब भी आप दशा को या दशा का फलादेश कर रहे हो, दशा को देख रहे हो, तो आपको मारक ग्रहों को देखना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में मारक ग्रहों की दशा आएगी तो यह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आज हम सिर्फ बात करेंगे तो कष्टों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है? यह क्या देगा? मृत्यु तुल्य आपको कष्ट देगा, ठीक है? जब भी आपके कुंडली में मारक ग्रहों की दशा आएगी, ध्यान रहे मैं दशा बोल रहा हूं, दशा अर्थात महादशा, ठीक है? क्योंकि फिर आप अपना दिमाग लगाओगे और फिर आप चले आओगे कि अरे यार, अत्यंतर में भी कष्ट देगा, अंतर में भी कष्ट देगा, प्राण में भी कष्ट देगा, सूक्ष्म में भी कष्ट, नहीं, जब महादशा उसकी रहेगी तो वो कष्ट देगा, ठीक है? उसके बाद जैसा मैंने कहा था, आज हम आयु पे चर्चा करेंगे। आयु, आयु क्या है, या आयु को हम कुंडली में कैसे समझते हैं? आयु के लिए सबसे पहले, आयु जैसे ही हम सुनते हैं तो कौन सा भाव आपके दिमाग में आता है बताइएगा। जैसे आपको किसने पूछा कि आयु, आयु मेरी कितनी है, आयु क्या होगी हमारी, तो कौन सा भाव आता है? आठवां। तो आयु के लिए हम अष्टम भाव का विचार करते हैं, और उसके साथ ही अष्टम भाव के साथ तीसरे भाव का भी विचार करते हैं। अष्टम भाव के साथ तीसरे भाव का भी हम विचार करते हैं। अब तीसरे भाव का विचार क्यों करते हैं? जब हम भयात भावों को लगाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा आठवें से आठवां कौन सा भाव है, तीसरा भाव है, ठीक है ना? तीसरा भाव ये तो भाई आठवां, जो तीसरा है वो आयु के विचार के लिए है। परंतु जब आयु इफेक्ट होता है, जब आयु हमारा इफेक्ट होता है, वो क्यों क्यों इफेक्ट होता है? क्योंकि मारक ग्रहों की दशा आती है तो आयु इफेक्ट होता है। परंतु मारक ग्रहों की दशा क्यों इफेक्ट करती है आयु को? एक रूल मैंने आप लोगों को बताया था, यह केपी कृष्णमूर्ति पद्धति का रूल है। कोई भी भाव अपने से, कोई भी भाव की हानि उससे 12वां जो भाव है वह करता है। जैसे स्वास्थ्य क्या है, फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस का जो 12वां भाव है वो स्वास्थ्य की हानि करता है, हॉस्पिटल देता है, नेम फेम की हानि करता है, ठीक है? वैसे ही आयु के लिए हम आठवें भाव को देखते हैं, ठीक है? परंतु जब हम आयु की हानि की बात करें, तो आयु की हानि कौन कर रहा है? आयु से जो 12वां होगा वो, और आयु से जो 12वां है वो कौन है? वह है 7वां भाव, 7th हाउस, ठीक है? ठीक यही रूल आपका लागू होगा कहाँ? थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस से 12वां क्या है? 2nd हाउस है, तो वहां भी आयु की हानि दूसरा भाव कर रहा है। तो इसलिए दूसरा और सातवां, ये दो दो भाव हैं, उसे हम कहाँ लेते हैं? इसे हम मारक स्थान पे लेते हैं या मारक कहते हैं, ठीक है? एक मेष लग्न की कुंडली हम लेते हैं, उसमें समझेंगे मारक क्या है, ऐसे आपको पता ही है। परंतु दो तीन कुंडली पे यह समझ ले कि सबसे कष्टदायक जो होता है वो क्या होता है। जब मेष लग्न की कुंडली बनाइए, आप मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे, ठीक उसमें किसी ग्रहों को नहीं लिखना है। जब मेष लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं तो मेष लग्न की कुंडली में जो मारक हैं वो कौन है?
मेष लग्न की कुंडली में जो मारक हैं वो कौन है? तो आपको दिखेगा मारक हो गए 2 और 7 के स्वामी शुक्र। तो जब भी शुक्र की महादशा आएगी तो मेष लग्न की कुंडली वालों को अत्याधिक कष्ट देखने होंगे, ठीक है, जिसे हम तीव्र पीड़ा कहें। दूसरी तुला लग्न की कुंडली, जब तुला लग्न की कुंडली आप देखोगे तो उसके दूसरे और सातवें भाव में मंगल की राशियां आएंगी। तुला लग्न की कुंडली में मंगल की राशियां आएंगी, ना कि बुध की, ठीक है। जब मंगल की दशा आएगी तो उस वक्त समस्या देखने को मिलेगी इस जातक के पास। क्यों? क्योंकि इसके मारक ग्रहों की दशा है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप किसी कुंडली को देख रहे हो तो मारक को अवश्य देख लो, खासकर तब जब आप दशा का एनालिसिस कर रहे हो, जब दशा को आप देख रहे हो, टाइम पीरियड को देख रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आया, और वो क्योंकि कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो यह पूछने नहीं जाता है कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ खर्च करूँ। यह नहीं कोई पूछने जाता है, या यह नहीं कोई पूछने जाता है कि मेरे पास तो बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं दान करना चाहता हूँ, कब दान होगा? ये नहीं, वो यही पूछता है गाड़ियां कब आएंगी, प्रॉपर्टी कब आएंगी, अपने लाभ की ही बात वो करने आता है, या अपने कष्ट के बारे में ही वो आपसे पूछने आता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ आज कष्ट पे ही हमारी चर्चा रहेगी। पराशर जी कहते हैं, एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है जो आपको अत्याधिक पीड़ा देता है, बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, तीव्र गति से पीड़ा देता है। एक के बाद ऐसे बॉल आते हैं हमारे जीवन में कि हम उसे डिफेंस ही नहीं कर पाते हैं और बार बार विकेट उखड़ जाते हैं हमारे, ठीक है। इतनी तेज गाड़ी हमारी चलने लगती है कि बार बार एक्सीडेंट होते हैं और बार बार हमें उठ के चलना होता है। वो जो एक्सीडेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? तो इसके लिए पराशर जी ने 2 रूल बताए हमें। हमें क्या, सभी को यह 2 रूल जो उन्होंने बताया है, वो फर्स्ट रूल यह कहता है, जब भी किसी कुंडली में मारक भाव के स्वामी, या हम कहें तो मार्केश ग्रह की दशा चल रही हो और उसके अंदर श्री षडाय भाव के स्वामी की अंतर दशा चल रही हो, तो यह दशा आपके जीवन आपके लिए बहुत ही अत्याधिक पीड़ा को देने वाला होगा। अर्थात जब मार्केश की दशा आपके जीवन में चल रही हो, महादशा, और उसके अंदर अंतर दशा जो है वो त्रिचढ़ाई की चल रही है, जैसे 2 और 7, दूसरा और सातवें भाव के जो स्वामी हैं उनकी महादशा चल रही है, और जो अंतर दशा है वो 3, 6 और 11 भाव के स्वामी की चल रही है, तो यह आपको त्रि पीड़ा या कहें तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों का यह प्रश्न होगा कि आपने कहा था कि महादशा के अंदर जो महादशा में मारक ग्रह आते हैं तो वो कष्ट देते हैं, तो वो कष्ट देते हैं, लेकिन अत्याधिक कष्ट वो तब देते हैं जब तीसरा है लॉर्ड का अंतर आ जाए, अत्याधिक कष्ट देते हैं। इसे हम 2-4 कुंडली पे समझेंगे, ठीक है।
यह जो कंडीशन है मार्ग के अंदर त्रिशराए, तो ये बार बार नहीं आते हैं जीवन में, परंतु समस्या देते हैं। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही होगी। इस कुंडली में देखिए मारक जो है वो शुक्र है, ठीक है। मेष लग्न की कुंडली में मारक जो है वह शुक्र है और त्रिशडाय बुध और शनि है। अब त्रिशडाय में भी 3 और 11 उतना कष्ट नहीं देता है जितना कष्ट देता है छठा भाव। 3 और 11 का जो स्वामी होगा वो कम कष्ट देगा, लेकिन जो छठे का स्वामी होगा वो अत्यधिक कष्ट देगा, ठीक है। तो इस कुंडली में जब भी शुक्र के अंदर, जब भी शुक्र की दशा आएगी, ठीक है, जब भी शुक्र की दशा आएगी और शुक्र के अंदर बुध की दशा आएगी, तो इस व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कब मिलेगा? शुक्र के अंदर बुध की दशा कब आ रही है? हमने देखा 8/12/2068 68, ठीक है। और एक बात और मैं बताऊं, और कंडीशन लगते हैं, ठीक है, इसे अंतिम सत्य नहीं मानिएगा, और कंडीशन लगते हैं। परंतु जब भी मारक ग्रहों के अंदर अंतरदशा किसी भी ग्रह की आती, अंतरदशा त्रिशराय खासकर छठे भाव के ग्रहों की आती है, तो यह पीरियड जो होता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो उसमें उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। आवाज हमारी जा रही है आप लोगों के पास? आवाज हमारी जा रही है, ठीक। तो उस पीरियड में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो मेष लग्न की कुंडली में जो त्रिशराए हैं वो कौन है? शुक्र हैं, और उसके अंदर जब बुध की अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायक होगा, ठीक है। देखिए एक और मेष लग्न की कुंडली है, इसमें जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा दूसरे भाग मेष लग्न की कुंडली नहीं है, एक मिनट रुक जाना थोड़ा। ठीक है, एक कर्क लग्न की कुंडली है। तो जब आप कर्क लग्न में देखोगे तो आपको यहाँ पे मारक कौन मिलेंगे? सूर्य और शनि, ये दोनों मारक हैं, ठीक है। तो अभी इनके कुंडली में शनि की मां दशा चल रही है, आपने देखा। अब अंतर में त्रिशडाय, त्रिशडाय कौन है? बुध है, गुरु है और शुक्र है, ठीक है। तो अंतर में आप देखेंगे अंतर में इनका जो है वो चल रहा है कौन? शनि चल रहे हैं अभी, परंतु 2026 से कौन आ जाएंगे? बुध आ जाएंगे। यदि आप क्लास में हैं सर, मैं आपको बता दूं, उस वक्त आपको महामृत्युंजय और त्रिशडाय दोनों, नारायण कवच दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि यह अंतिम सत्य है, परंतु ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। एक दूसरी कुंडली हम लेते हैं, या इसी कुंडली में अब वृषभ लग्न की कुंडली है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में जब आप देखोगे तो आपको मारक कौन मिल रहे हैं?
मंगल है और बुध है, और त्रिशड़ाए कौन है, चंद्रमा है, शुक्र है और बृहस्पति है। तो जब भी वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल की महादशा आएगी और अंतर में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, और खासकर शुक्र की ज्यादा, ठीक है, और ज्यादा शुक्र की आएगी, तो इस व्यक्ति के लिए ज्यादा समस्या देने वाला होगा। वैसे ही हम एक बार मिथुन को भी ले लेते हैं, ठीक है। मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में आप देखोगे यहाँ पे मार्केश कौन हो गए, चंद्रमा हो गए और गुरु हो गए, मारक चंद्रमा और गुरु हो गए। त्रिशराय कौन हो गए, सूर्य हो गए, मंगल हो गए। तो इस कुंडली में गुरु के अंदर यदि मंगल की दशा आ जाए, गुरु के अंदर यदि मंगल की दशा आ जाए तो बहुत कष्टदायक होगा। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल है, ठीक है, और उसे कहाँ से कष्ट मिलेगा, तो उसके घर से ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मंगल चौथे भाव में गया है, ठीक है। ठीक है, और कर्क लग्न में हमने देखा ही समीर जी के कुंडली में, परंतु समीर जी आप इसके लिए निश्चिंत हैं कि आपके आयु पे कोई समस्या नहीं करने वाला है, परंतु कष्ट आपको देगा, क्योंकि छठा है और मैंने बताया था, ये तीसरा है और मैंने बताया था, तीसरे का स्वामी ज्यादा कष्ट नहीं देता है, छठे का स्वामी अत्याधिक कष्ट देता है, ठीक है ना। यदि किसी की आयु पूर्ण होने जा रही हो या हो रही हो, और आयु पूर्ण होने जा रही हो, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, वो अंतिम स्टेज में चल रहा हो, जो आप लोग खुद देख के बोलते हो कि भाई इसका तो 90 हो गया, 80 हो गया, ठीक है, और मादक ग्रहों के अंदर महादशा आ गई और उसके अंदर त्रिशराय खासकर छठे भाव की अंतरदशा आ गई, तो यह आपके मृत्यु का भी समय हो सकता है। परंतु तो मैं बार बार कह रहा हूं, डरना नहीं है और ना ही इसे अंतिम सत्य मानना है, ना ही इसे अंतिम सत्य मानना है। तो जब हम आयु की व्याख्या करते हैं, जब आयु के बारे में हम समझते हैं, तो आपने यही देखा कि अब मेष लग्न की कुंडली है और उसमें जब शुक्र के अंदर बुध की अंतर आता है, तो वो आयु के लिए समस्यादायक है, ठीक है। वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में आपने देखा, वृषभ लग्न की कुंडली में जब बुध की या मंगल की महादशा रहेगी, तो और उसमें जब शुक्र की अंतर आएगी, तो यह आयु के लिए समस्यादायक है, और खासकर जब बुध की दशा आएगी तो ज्यादा समस्या देगा। क्यों? क्योंकि जिसकी डिग्री ज्यादा है, मंगल या बुध है, जिसकी डिग्री ज्यादा है वो ज्यादा समस्यादायक होगा, ठीक है।
एक कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है, एक कंफ्यूजन भी देखने को मिलता है हमें, वो क्या मिलता है? जैसे कोई कुंडली हो और उसमें आपको दिखा कि भाई लग्नेश भी यही है और मारक का भी स्वामी यही है। जैसे एक कुंडली बनाइए मकर लग्न की, मकर लग्न की कुंडली बना लीजिए, या इसे समझ भी लीजिए ऐसे ही। मकर लग्न की कुंडली है तो लग्नेश भी है, लग्नेश शुभ होता है, और यहाँ मारक भी हो गया, मार्केश भी यह बन गया। तो यहाँ पे अब क्या यह रिजल्ट देगा? यहाँ कंफ्यूजन एक आ रहा है, तो यहाँ आपको देखना यह है कि भाई उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ जा रही है। जहाँ मूल त्रिकोण राशि जा रही है वो है, क्योंकि अब इस कुंडली में आप देख रहे हो तो मूल त्रिकोण राशि शनि कहाँ जा रही है? दूसरे भाव में। तो शनि यहाँ क्या हो गया? ज्यादा अशुभ हो गया, शुभ कम रह गया। शुभता इसकी कम गई, अशुभता इसमें बढ़ गई। ठीक है, जैसे आप देखिए एक और कुंडली देखेंगे हम। जैसे इस वृषभ लग्न की कुंडली देखिए, लग्नेश भी शुक्र है और षष्ठे अर्थात छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है। तो यहाँ पे शुक्र ज्यादा मैलेफिक है या बेनिफिक है, आप लोग बताएंगे, बताइए शुक्र ज्यादा मैलेफिक है या ज्यादा बेनिफिक है? बेनिफिक कहाँ है? आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेनिफिक कैसे हो गया? बेनिफिक नहीं है, मैलेफिक है। क्यों मैलेफिक है? क्योंकि शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 7 है, ना कि 2 है। दैत्य ग्रह है ना, तो मूल त्रिकोण राशि जो है वो 7 है, और मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? छठे में। तो शुक्र इस कुंडली में ज्यादा मैलिफिक है ना ही बेनिफिक है। जो शुरू से आपको सूत्र दिए गए हैं उन सभी सूत्रों को एक साथ जोड़ के किसी कुंडली को देखिए तो आप बहुत क्लियर हो पाएंगे। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली देखिए, ठीक है, इसमें 3 6 दोनों एक साथ आ गए, केंद्र में ही, लग्न में ही, इसमें ही इसमें कोई समस्या नहीं है। और इसमें जो है वो चंद्रमा और गुरु मारक है। इस कुंडली में जो है मारक कौन है? सूर्य और शनि है, त्रिशटा है, बृहस्पति है। सबसे ज्यादा मैलेफिक कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले हैं। ठीक है, एक कुंडली बनाते हैं, उस पे एक चर्चा करेंगे, उसके बाद आज के जो आज का जो सेशन है उसे हम करेंगे।
इस कुंडली में आप देखिए, आपको देखने को मिलेगा मारक कौन है, एक मिनट।